हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज मैं आया हूं कुतुब मीनार, और आज के व्लॉग में मैं दिखाने वाला हूं कुतुब मीनार का पूरा व्यू दिखाने वाला हूं, यहां की हिस्ट्री के बारे में कुछ दिखाने वाला हूं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है कि कुतुब मीनार जो है कि आपको दिखने को मिल जाएगा। बने रहिए वीडियो पे, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल पे जो भी न्यू है सब्सक्राइब करें। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो ये है टिकट काउंटर, और ये जो भीड़ देख रहे हो ये टिकट के लिए लाइन में लगे हुए भीड़ है जो कि कैश में टिकट लेने जा रहे हैं। अगर कैश ले रहे हैं तो 40 रुपया पर पर्सन लगेगा, अगर ऑनलाइन स्कैन करके आप पेमेंट करके ऑनलाइन टिकट ले रहे हैं तो 35 रुपया पर पर्सन होने वाला है। ये जो है कि चेक इन के लिए लाइन लगा हुआ है, जो कि बैग वगैरह चेक होगा, टिकट चेक होगा। दोस्तों, तो कुछ इस तरह से ये व्यू है कुतुब मीनार का, और मैं जो हूँ कुतुब मीनार के जस्ट ऊपर में हूँ। दोस्तों, तो ये जो पत्थर दिख रहा है, स्टोन दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है खलजी मदरसा, यानी कि ये जो अभी मैं जो खड़ा हूँ ये जगह जो है खलजी मदरसा का है। जो दीवाले दिख रहा है एकदम ही पत्थर की बना हुआ दीवाल है, और बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है। और एक बार मैं बाहर से भी चल के दिखा दूंगा, ये अंदर से है। दोस्तों, तो मेरे पीछे जो दिख रहा है ये अभी जो दिख रहा है ये जो है खालजी का मदरसा है, जो अभी मैंने अंदर से दिखाया था। ये बाहर से कुछ ऐसा सीन है, और इसके बाहर ही जस्ट आपको नीचे की ओर जो है कि पार्क देखने को मिल जाएगा, जो कि बैठ के कुछ भी बातें वगैरह या फिर रेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये बाहर से अंदर का व्यू जो है कि कुछ इस तरह से दिखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स, बाहर बाहर में कुछ ऐसा नज़ारा है जहाँ पे आप बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ बातें करना है कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे की तरफ। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे खालजी टॉम्ब है, खालजी का मकबरा, चल के देखते हैं इस तरफ है, जो कि एरो मार्क किया गया था। फ्रेंड्स, तो शायद यही है खालजी का टॉम्ब, और देख सकते हैं आप गेट बंद है जो कि, और यहाँ से भी बाहर की नज़ारा कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, कुतुब मीनार का एकदम टॉप जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इल्तुतमिश का टॉम्ब, जो कि उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। चलो चल के टॉम्ब दिखाते हैं आप सभी को। दोस्तों, तो ये है टॉम्ब इल्तुतमिश का, आप देख सकते हैं, जो कि एकदम मार्बल का बना हुआ है और बहुत ही सुंदर देखने में भी लग रहा है। चारों तरफ पत्थर की और मार्बल की दीवाल है जो कि, और बहुत लोग यहाँ पर बैठ के बातें भी कर रहे हैं और सेल्फी वगैरह भी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं बीच बीच में कुछ गेट है जो कि मार्बल का बना हुआ है, और ये चारों तरफ से कुछ इस तरह से है। फ्रेंड्स, तो अभी मैं जहाँ पे हूँ ये है कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड, आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखने को भी मिल रहा है, और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं ये सब जितने भी है मेरे पीछे जो दिख रहा है ये सब कब्रिस्तान है जो कि, और इधर भी है कब्रिस्तान। इस पे बहुत काफ़ी पुराना होने की वजह से यहाँ पे कुछ लिखा तो नहीं है किनका है कब्रिस्तान जो है कि, वो लेकिन है तो कब्रिस्तान, और आप देख रहे हैं ये भी वही है, और यहाँ से भी पीछे कुतुब मीनार का जो व्यू है देखने को मिल रहा है।
दोस्तों तो अभी हम यहाँ जाने वाले हैं, जो ये दिख रहा है बहुत बड़ा सा जो, और वहाँ जाने से पहले कुछ इस तरह से यहाँ की बाहर की नज़ारा है जो है कि बहुत ही काफ़ी लाजवाब सुंदर दिखने को मिल रहा है जो है कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो है कि इस जगह से कुतुब मीनार के बीच में ही यहाँ पे जो है कि कब्रिस्तान है जो कि मैं अभी दिखाया, अलाई मीनार। और इसके बारे में जो है कि आप वीडियो को रोक करके आराम से स्टडी करके समझ सकते हैं। और ये रहा जो है कि अलाई मीनार, और इसका ऊंचाई जो है 24.5 मीटर, यानी कि 24.5 मीटर की ऊंचाई है। और चारों तरफ से जो है कि चैन से इसको घेर दिया गया है ताकि कोई अंदर जो है कि ना जाए। तो यहाँ पास में तो आ चुके हैं हम, लेकिन शायद यहाँ पे ऊपर चढ़ना जो है कि अलाउ नहीं है। आप देख सकते हैं चारों ओर से चैन से, कटा वाला चैन से सराउंड करके। फ्रेंड्स तो अभी हम हैं कुतुब मीनार के एकदम ही बिल्कुल नज़दीक में। ये जो है, यही जो है आप देख रहे हैं, ये जो है कि कुतुब मीनार है। और इसके पीछे का कुछ इस तरह से बनाया हुआ है जो कि पूरा इधर भी पत्थर और मिट्टी से ही बनाया हुआ है। एकदम आगे तक भी सब वही है। और यहाँ पे एक गेट है, इस गेट के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो है कि। फ्रेंड्स तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है कि अल्लाह ई दरवाज़ा है। वीडियो को पोस्ट करके आप एक बार स्टडी कर सकते हो और समझ सकते हो। फ्रेंड्स तो ये आप देख रहे हैं, ये जो है कि अल्लाह ई दरवाज़ा है। ये कुछ इस तरह से अंदर का सीन है, आप देख सकते हैं। और सीधा उस पार पीछे जाएंगे तो आपको एक मस्जिद टाइप का दिखने को मिल जाएगा। चलिए वहाँ चलते हैं और वहाँ का भी देख लेते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ का जो है व्यू है आपको देखने को मिल रहा है। और ये काफ़ी ऊंचा है इसका छत जो है, और एकदम ही ये बाहर से देखने में एक मस्जिद टाइप का बनाया हुआ है जो सामने दिख रहा है। सेम टू सेम उसी तरह इसको भी बनाया हुआ है जो कि काफ़ी ऊंचा है। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद ये जो है कि बंद है। और फ्रेंड्स इधर कुतुब मीनार के राइट साइड में भी आपको जो है कि पार्क देखने को मिल जाएगा जहाँ से एग्जिट होने का रास्ता है। ये जो है कि लास्ट है बाउंड्री, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स तो ये था कुतुब मीनार का फुल व्यू जो कि वीडियो में आपको देखने को मिला। और जितना हो सका मैंने कोशिश की आप सभी के साथ शेयर करने का। अगर कुछ भी मिसिंग हुआ होगा तो कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा जो भी मेरे से गलती होगा उसको करूँगा।